नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाना सिखाएंगे। आप यहाँ पर पहले पेंसिल की हेल्प से एक सर्किल बना लीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर के साइड से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ऊपर के साइड में आपको एक ओवल शेप बनाना होगा। यहाँ पर ऐसे करिएगा, फिर इधर नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे, एक छोटा बड़ा सा ओवल शेप बना देंगे। ओवल शेप बनाने के बाद यहाँ से आप ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाइएगा। इधर से भी हम ऐसे हाफ सर्कल बना देंगे। जितना आप इधर बनाएंगे उतना ही इस साइड भी बनाइएगा। हम यहाँ पर सर्कल की हेल्प से मटका पहले बनाएंगे। दिखेगा, इसको आप ऐसे नीचे के साइड में सर्कल को टच करिएगा। इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे। इस पेपर को ऐसे घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आप यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, जो सर्किल बनाया है इसको हम मार्कर के हेल्प से ब्लैक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा मटका बनके तैयार हो गया। मटका बनाने के बाद अब देखिएगा, अब आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना होगा। इसको ऐसे मिलाइएगा। बीच से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की जय जरूर लिखिएगा। इसको भी आप छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल बनाइए इस साइड। इसी तरह नीचे के साइड में भी आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल बनाते जाइएगा। हाफ हाफ सर्कल बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ करना होगा। या आप सर्कल जान बनाना चाहते हैं सर्कल भी बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा मटका बनेगा हमारा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक नीचे के साइड में हम ड्रॉ करेंगे। फिर इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए इसको नीचे के साइड में ऐसे ले जाइएगा। आगे के साइड में यहाँ पर ऐसे एक लिप्स बना दीजिएगा। फिर आपको इसको ऐसे डबल करना होगा। टू टाइम हो गया, थ्री टाइम यहाँ पर ऐसे करिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अभी हम आपको इसी लाइनें ड्रॉ करना सिखाएंगे और इसको साथ में कलर भी करना सिखाएंगे। नीचे के साइड में भी आप ऐसे यहाँ से ऐसे ले जाइए, फिर ऊपर के साइड में करिएगा। यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर बनाया है इसी तरह इस साइड भी बना दीजिएगा। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे करिए, फिर इसको आप ऐसे कर दीजिएगा। अभी हम लाइक जब कलर करेंगे तो ये लाइनें भी ड्रॉ करना आपको सिखा देंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इस साइड यहाँ से स्केल का यूज करते हुए, स्केल है तो स्केल का यूज ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, अंदर तक ले जाइएगा, केवल बाहर तक नहीं ले जाना होगा आपको। फिर इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ऊपर के साइड में ओवल शेप ड्रॉ करिए, छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल बनाइएगा तो कृष्ण जी का बांसुरी यहाँ पे भी बनके तैयार हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करिए, छोटी सी लाइन इधर, एक नीचे के साइड में। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे बीच में भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र भी बनाना होगा। देखिए कैसे बनाना है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप एक यू लेटर लिखिएगा। हमने आपको कई ड्राइंग में बताया है कैसे बनाया जाता है। फिर ऊपर के साइड में हाफ सर्कल बनाइए या ओवल शेप बनाइए। ऊपर के साइड में लिप्स बना दीजिएगा। हल्का सा यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करिए। यहाँ पे भी आप ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। फिर यहाँ से एक लाइन नीचे के साइड करिए, इधर ऐसे ले जाइएगा। ऊपर के साइड में यहाँ पे ऐसे करिएगा, डबल हो जाएगा। डबल करने के बाद इनका हैंड भी बन के तैयार हो गया। इधर से नीचे के साइड में हल्का सा अंदर की तरफ करिए। फिर आपको इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करना होगा, यहाँ पे ऐसे मिलाना होगा। अंदर की तरफ करते हुए नीचे के साइड में आइए। इसी तरह आप यहाँ पे आइएगा और नीचे के साइड में ले जाइएगा। यहाँ से ऐसे करिए, इसको और आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो इनका एक लेग आप यहाँ पे बना दीजिएगा और एक दूसरा लेग आप यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा। लेग बनाने के बाद जस्ट इसी के बगल से आप इनको इनका एक क्लॉथ यहाँ पर नीचे के साइड में करिए। इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों। अभी जब हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। अब आप ऊपर के साइड में छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाइए, फिंगर बनाइएगा और एक बांसुरी आपको यहाँ पे भी इसी तरह बनाना होगा जैसे आपने यहाँ पे बनाए थे। थोड़ा सा यहाँ पे हम पतला करेंगे, छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करेंगे। और तो चलिए दोस्तों, अब हम भगवान श्री कृष्ण जी को और उनके मटके को कलर भी करना सीख लेते हैं।